रवि छठवीं कक्षा में पढ़ता था। रवि विद्या का तो धनी था, पर लक्ष्मी उससे रूठी हुई थी। रवि अपनी दादी के साथ रहता था। जब रवि केवल 3 साल का था, तभी रवि के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और रवि इस दुनिया में अपने दादी के साथ अकेला रह गया। रवि का पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो थी उसकी दादी। उसकी दादी का भी पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो था रवि। दादी माँ देखो, इस बार क्लास में फिर से मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैंने सबको पीछे कर दिया, हर विषय में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अब तो आप खुश हो ना दादी? जियो मेरे लाल, खूब जियो, खूब मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी दुआ है मुन्ना, मैं रहूं ना रहूं तुम बहुत आगे बढ़ना। ऐसी बातें मत किया करो दादी, आप ही तो हो, इसीलिए मैं हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चल जा खाना खा। रवि खाना खाने चला जाता है, खाना खाकर सो जाता है। आखिर सची तो कह रहा था रवि, उसकी दादी के बिना पता नहीं उसका क्या होता। यही सब सोचते हुए रवि सो जाता है। जब रवि सुबह उठता है तो देखता है कि दादी अभी तक उठी नहीं। दादी हमेशा उससे पहले उठ जाती थी। रवि दादी को उठाने पहुंचता है, वो बहुत कोशिश करता है पर दादी उठती नहीं। दादी अब कभी ना खत्म होने वाली नींद में सो चुकी है। दादी रवि को छोड़कर जा चुकी थी। दादी 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 ऐसा मत करिए दादी, पहले ही मुझे माँ बाप छोड़कर जा चुके हैं, अब आप चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा? दादी तुम्हारे बिना इस अनाथ का भविष्य क्या होगा? दादी आंखें खोलो ना, दादी दादी। अपनी दादी का अंतिम संस्कार करके रवि स्कूल पहुँचता है। धीरे धीरे रवि फिर से पढ़ाई करने लगता है, हमेशा की तरह अपना काम समय पर करता है। और अब उसने सुबह सुबह उठकर खाना बनाना भी सीख लिया है। पर धीरे धीरे घर का खाना खत्म हो रहा है। इस बात की चिंता में रवि स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचते ही रवि को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है। देखो रवि, हमें तुम्हारी मुश्किलों का एहसास है, इसीलिए हमने तुम्हें 2 महीने से कुछ नहीं बोला। पर हमने यहाँ कोई अनाथालय थोड़ी खोल रखा है जो यहाँ पर फ्री में पढ़ाई करवाते बैठेंगे। पर सर प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए। मैं तुम्हें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। कल तुम फीस लेकर आओगे तो ही आना, वरना कहीं मुफ्त वाले स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेना, समझ गए? सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास समय नहीं है, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। रवि शायद अपने स्कूल से आखिरी बार घर आ रहा है। घर पर खाना खत्म हो रहा था और स्कूल पर भी पाबंदी लगने वाली थी। तभी उसकी नजर एक चाय वाले पर गई। उसने थोड़ी हिम्मत करके चाय वाले से पूछा, भैया जी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। हाँ हाँ पूछो मुन्ना, क्या पूछना है? कुछ दिनों पहले मेरी दादी खत्म हो गई और मैं अनाथ हो गया। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। तो फिर क्या मांगने वाले हो मुन्ना? पैसे मत दीजिए भैया जी, बस मुझे काम दे दीजिए। आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, बस बीच में स्कूल जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा और इतनी तनख्वाह चाहिए कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं और स्कूल की फीस भी भर सकूं। वाह बच्चे वाह, बड़े स्वाभिमान वाले हो तुम। कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ काम करो, तुम्हारे पैसे का इंतजाम हो जाएगा। और तुम कहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकता हूँ ताकि तुम अपने स्कूल में फीस दे सको, और अगले महीने की तनख्वाह नहीं आती है तो तुम यहीं पर खा भी लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रवि अभी चाय की दुकान पर काम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी ट्रेन पटरी पर आ जाती है। वो पढ़ाई में भी पहले के जैसे प्रदर्शन करने लगता है और अब उसे ना घर के खाने पीने की चिंता है ना ही स्कूल के फीस की। प्रिंसिपल की अभी भी रवि पर कड़ी नजर है। प्रिंसिपल चाहता था कि कैसे भी वो रवि को स्कूल से निकाल दे ताकि उसकी जगह पर वो अपने एक रिश्तेदार को स्कूल में सीट दे सके। मैंने सुना है तुमने फीस भर दी है और ये भी सुना है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब बेहतर है। जी सर आपकी दुआ से सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, पर ये सब तुमने कैसे किया? सर जिस दिन आपने कहा था उसी दिन मैंने पीछे की रोड पर एक चाय की दुकान है वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। उसी से अब अपना घर भी चलाता हूँ और स्कूल की फीस भी भरता हूँ। अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है? 13 साल सर। अच्छा तुम 14 साल के नहीं हुए हो, है ना? ठीक है जाओ। रवि के जाने के तुरंत बाद प्रिंसिपल चाय की दुकान पर पहुंच जाता है।
और अभी वो तुम्हारे यहाँ काम करता है। जी सर, बोलिए कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो तुमको होगी, तुम्हें पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराना गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पुलिस आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल धमकी देकर चला जाता है। जब रवि आता है तो चाय वाला भैया उसे नौकरी से निकाल देता है। आखिर चाय वाला भी क्या करता, उसके पास भी कोई चारा नहीं था। रवि पर एक बार फिर संकट के बादल छा जाते हैं। रवि अगले दिन फिर हिम्मत करके स्कूल पहुंचता है। रवि अपने दोस्त विजय को सारी बातें बताता है। रवि को अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है, उसके पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। तभी विजय उसे एक सलूशन बताता है। देख, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हम भी तो बहुत गरीब हैं। अगर तू बोल तो मैं अपने मम्मी पापा से तेरे रहने का इंतजाम करवा देता हूँ, वरना तू खुद ही अपना इंतजाम कर ले। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम पढ़ाई में अच्छे हो या नहीं? तुम तो जानते हो मैं कितने सालों से लगातार फर्स्ट आ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, हमको कौन पढ़ाता है? हमको क्लास में तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कौन सा आदमी है जो हमारी मदद करता है? मैं ही करता हूँ, और कौन करता है? अरे तो भैया, तुम पढ़ाओ हमको, और हम अपने साथ कुछ और लड़कों को ले आएंगे, तुम उनको भी पढ़ा देना। तुम्हें ट्यूशन फीस से इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारा काम भी चल जाएगा और दूसरे बच्चों का भला भी हो जाएगा। कहो, मेरी बात कैसी लगी तुम्हें? तुम्हारी बात मुझे सही लगी, तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा। एहसान की छोड़ो यार, बस तो मुझे इस साल पास करवा देना। रवि अपने घर पर स्कूल के बाद अपनी ही क्लास और उसकी क्लास के नीचे के बच्चों को पढ़ाने लगता है। ऐसा करने से न सिर्फ रवि की आर्थिक समस्या दूर हो जाती है, बल्कि रवि का अपना एक व्यवसाय चालू हो जाता है, जो उसकी तब तक मदद करेगा जब तक उसे पढ़ाई करनी है। कहते हैं ना, अनाथ के ऊपर भी कोई है जो उसकी चिंता करता है। कहते हैं ना, जो अनाथ होता है उसका नाथ ऊपर वाला होता है। पर नीचे वाले को भी हिम्मत करनी होती है। रवि ने हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ी और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाया।